पिछले क्लास में मैंने आपको कैलिपर के टाइप्स के बारे में बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेड के लिए। आज पढ़ने वाले हैं अपने अगले नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है बेंच वाइज। आज जानेंगे कि बेंच वाइज क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये कौन से मटेरियल का बनाया जाता है और इसका साइज कैसे लिया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये क्लास। सबसे पहले बेंच वाइज है क्या, तो आप जो ये देख रहे हो ना स्क्रीन पर, यही आपका होता है बेंच वाइज होता है, ठीक है। बेंच वाइज का काम क्या होता है, किसी भी जॉब को होल्ड करना। अगर आप किसी जॉब पर काम करते हो, उस पर कोई ऑपरेशन करते हो, तो ऑपरेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी बेंच वाइज पर इसको फिट करते हैं इस तरह से। इस तरह से ये जो हमारा इस तरह से ये इस तरह से जो हमारा यहाँ पर फिट हो जाता है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि बेंच वाइज क्या होता है, तो बेंच वाइज एक हमारा होल्डिंग डिवाइस होता है, यानी कि पकड़ने वाली युक्ति होती है। ये तो बात हो गई इसकी कि ये है क्या। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में कि कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखना, सबसे पहला होता है इसका बेस, इसे बेस बोलते हैं और हिंदी में इसे कहते हैं आधार। दूसरा इसका होता है फिक्स जो, इसे बोलते हैं फिक्स जो बोलते हैं, यानी कि स्थिर जबड़ा बोलते हैं। स्थिर जबड़ा क्यों बोलते हैं, कि जब भी हम हैंडल को घुमाते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा ये जबड़ा फिक्स रहता है, यानी कि ये अपने स्थान से हिलता नहीं है। बात करते हैं तीसरे पार्ट्स के बारे में जिसका नाम है मूवेबल जो, इसे मूवेबल जो भी बोलते हैं और स्लाइडिंग जो भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपने स्थान से स्लाइड करता है, क्या कर रहा है, अपने स्थान से स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो बेस हो गया, फिक्स जो, मूवेबल जो, जिसे स्लाइडिंग जो भी बोलते हैं। तीसरा इसका है स्पिंडल, इसे स्पिंडल बोलते हैं और स्पिंडल में हमारा अटैच होता है हैंडल, इसे बोलते हैं हैंडल। अगला कौन सा है, अगला इसका है जो प्लेट्स, इसे बोलते हैं जो प्लेट्स। ये पूरा तो हो गया फिक्स जो हो गया, ये पूरा हो गया फिक्स जो, ये पूरा हो गया मूवेबल जो, लेकिन इसे बोलते हैं जो प्लेट। क्या बोलते हैं, जो प्लेट बोलते हैं, जो प्लेट बोलते हैं। अगला कौन सा पार्ट है, इसे मैं उल्टा करके दिखा रही हूं आपको, यहां पर इसे बोलते हैं देखिए, ये जो स्पिंडल है ना यहां पर, ये जो स्पिंडल है यहां पर, इस स्पिंडल को मैंने इस तरह से दिखाया है, ये अंदर में कुछ इस टाइप का दिखता है। इस स्पिंडल में थ्रेड्स कटे होते हैं, यानी कि चूड़ियां कटी होती है, ये देखो चूड़ियां कटी हुई है। इसमें हमारे को होता है स्प्रिंग होता है, इसे स्प्रिंग बोलते हैं। ये होता है बॉक्स नट, क्या बोलते हैं इसे, बॉक्स नट बोलते हैं। आप ध्यान से देखना, इसमें आपको एक स्प्लिट पिन दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं स्प्लिट पिन बोलते हैं, इसे बोलते हैं वॉशर। तो फ्रेंड्स इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, एक आपका बेस होता है, फिक्स जो, मूवेबल जो, स्पिंडल, हैंडल, जो प्लेट, स्प्रिंग, वॉशर, स्प्लिट नट और बॉक्स नट, ये इसके पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। तीसरी बात करते हैं इसके मटेरियल के बारे में। तो ध्यान देना, जो बेंच वाइज होता है वो आपकी कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसकी जो बॉडी होती है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा कास्ट आयरन का होता है, लेकिन इसका जो स्पिंडल और हैंडल होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। तो बॉडी कास्ट आयरन की होती है और स्पिंडल और हैंडल होता है आपका माइल्ड स्टील का होता है। तीसरा था इसका, चौथा इसका है इसका साइज, इसका साइज कहाँ से लेते हैं। तो ध्यान देना, अगर कोई आपसे पूछिए कि बेंच वाइज का साइज कहाँ से लिया जाता है, तो इसकी जो प्लेट की चौड़ाई ही इसका साइज होता है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो साइज होता है वही बेंच वाइज का साइज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों ने बेंच वाइज के बारे में जाना, इसके पार्ट्स के बारे में जाना, ये कौन से मटेरियल का बना होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ इसके साइज के बारे में भी मैंने आपको बताया।
तो फ्रेंड्स, अगर आज के टॉपिक में कोई दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर आज का वीडियो आपके लिए सच में हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।